हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ हाजिर हैं आपके सामने बात करने के लिए आपकी किस्मत की, आपके सितारों की और कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन। तो बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ और जरूर जुड़िए इस कार्यक्रम में। आप कॉल कर सकते हैं और जल्द हमारे साथ होंगी टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा जी। चलिए सीधा जुड़ते हैं हमारी मेहमान टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा जी से। बहुत बहुत स्वागत आपका रंजना जी। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग सबको जी। तो रंजना जी जुड़ चुकी हैं और अगले आधे घंटे हम बात करेंगे एक से नौ नंबर वालों की। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें होंगी, आप भी जुड़ेंगे। और फोन पर अगर आपको अपनी कुंडली से संबंधित भी कोई सवाल हो तो आप जरूर वो सवाल कर सकते हैं। किसी समस्या का निदान हो वो जरूर आप रंजना जी से साझा कर सकते हैं, वो जरूर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दे सकती हैं। आगे बढ़ते हैं रंजना जी और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत जैसा कि हमेशा की तरह एक पॉजिटिव नोट के साथ, थॉट ऑफ द डे के साथ। क्या है आज की सीख, क्या है आज का विचार? आज का विचार है कि भाग्यशाली वो नहीं जिसके पास सब कुछ होता है, भाग्यशाली वो है जिसको जो भी मिलता है, जो भी उसके पास रहता है उससे वो खुश रहते हैं और उसी को अच्छा बनाते रहते हैं। आजकल की सिचुएशन में अपने आप को जितना पॉजिटिव रखेंगे, जितना अपने आप को खुश रखेंगे तो आप आज भी और आने वाले दिनों में भी हमेशा खुश रहेंगे। इसे हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए बिल्कुल, हमेशा हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक नंबर वालों की। रंजना जी, एक नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? एक नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ ठीक नहीं है, इनको थोड़ी सी पीठ की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है और साथ में इनको हम देख रहे हैं टेंशन भी बहुत ज्यादा है। और इसके लिए हम इनको यही हिदायत देना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फेस करने की कोशिश कीजिए और जितना भी आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना शुरू कर देंगे 7 दफा तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी और हेल्थ को रिलेटेड भी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही जल्दी आपकी ठीक हो जाएंगी हनुमान चालीसा पढ़ने से। उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी और डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपका रंग जो है वो है लाल और आपका जो अंक है वो है नंबर 9। आज अगर आप गुड़ के पूड़े बनाकर पक्षियों को डालेंगे उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए बिल्कुल, बात अब 2 नंबर वालों की करते हैं। 2 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? 2 नंबर वालों के लिए देखते हैं कि इनके बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है इनके लिए। आज इनके बच्चों की अगर शादी नहीं हुई हुई तो डेफिनेटली उनके लिए इनको बहुत ही अच्छा शादी का प्रस्ताव आ सकता है और उसके लिए इनको अच्छे से सोच समझ के कुंडली मिलान करके आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जो भी प्रस्ताव आएगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर इनको बिजनेस के अंदर है तो इनको कोई ना कोई बहुत अच्छा प्रपोजल भी मिल सकता है जिससे इनकी बिजनेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो जो भी प्रपोजल आए उसको खुले मन से लीजिए, ओपन माइंडेडनेस से लीजिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि इसमें मेरे लिए किस तरह भलाई होगी तो तब आप आगे डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। आपका रंग भी बहुत ही सुंदर है, वो है केसरिया और आपका जो अंक है वो है नंबर 1। सूर्य को जल देकर अगर आप घर से निकलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल रंजना जी, आप हमेशा से बताती रही हैं कि सूर्य को जल कोई भी दे सकता है और जो भी देते हैं उनके अगर कोई ग्रह खराब भी हो तो वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। यानी सूर्य को जल चढ़ाना अपने आप में ही एक सबसे बड़ी आराधना, सबसे बड़ी पूजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात 3 नंबर वालों की कर लेते हैं। 3 नंबर वालों के लिए क्या कहेंगे आप?
तीन नंबर वालों के लिए देखते हैं कि इनकी लाइफ में काफी चेंजेस आ रहे हैं, जिस करके थोड़ा सा घबराए हुए जरूर हैं, मगर हम इनको बताना चाहते हैं चेंजेस इनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेंगे। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि इनके आने वाले दिनों में इनको कोई ना कोई अच्छी बिजनेस डील्स भी मिलने वाली है, और जो कार्य क्षेत्र में है उनके लिए भी काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आ सकती है। फाइनेंस को लेकर ये जरूर चिंतित है, और उनके लिए हम आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहते हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है और स्पेशली आज शनिवार वाले दिन का है। वो ये है कि आप पीपल का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर आप हल्दी का तिलक लगाइए और उसको अपने बटुए में रख लीजिए, अपने वॉलेट में रख लीजिए, अपनी तिजोरी में रख लीजिए, जहां पे भी रखना चाहे आप रखिए। और यही पीपल का पत्ता अगले शनिवार वाले दिन किसी भी या तो पेड़ के पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा या पानी में बहा दीजिएगा, और एक और पत्ता लेकर आप अपने पर्स में या वॉलेट में या अपनी तिजोरी में अवश्य रख लें, तो आप देखेंगे अपनी फाइनेंशियल पोजिशन जो है काफी हद तक ठीक होने लग जाएगी। इसे घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाले दिन आपके अच्छे हैं। फाइनेंस के लिए जो आप चिंतित है उसके लिए हमने आपको उपाय बता दिया है। आपका रंग है सफेद और आपका जो अंक है वो है नंबर 2। आज दूध का दान करेंगे तो आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए ठीक है, और आप बात 4 नंबर वालों की, 4 नंबर वालों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? 4 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं थोड़ा सा इनको इमोशनल सेटबैक मिला हुआ है, पुरानी बातों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं, मगर ये हम इनको सजेशन यही देना चाहते हैं कि पुरानी बातों को जितना भूल सकें उतना बेहतर है। जिसने भी आपका दिल दुखाया है उसको आप माफ कर दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पुरानी बातों को सोचने से आपकी सेहत खराब ही होगी, इससे कोई लाभ भी नहीं होगा। इससे जो आने वाला आपका कल है, जो आपके आने वाले दिन है, बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेंगे, तो अपनी एनर्जी पुरानी बातों को सोचने में आप मत लगाइएगा। पूरे कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप अपने कॉन्सेंट्रेशन अपने काम पे लगाइए, अपनी सेहत पे लगाइए, क्योंकि सेहत कहीं आपको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपको पेट की तकलीफ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और आज किसी को अगर आप भर पेट खाना खिलाएंगे उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपका रंग है सिल्वर ग्रे और आपका जो अंक है वो है नंबर 4। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, और आगे अब बात करते हैं 5 नंबर वालों की। 5 नंबर वालों के लिए क्या बताना चाहेंगे रंजना? 5 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं दिन बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छी प्लानिंग किया है, बहुत अच्छे से अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, और इनको हम देखते हैं कि नए रिश्ते बनने वाले हैं जिससे इनको बहुत ज्यादा सुकून भी मिलेगा, बहुत ज्यादा खुशियां भी मिलने वाली हैं। और ये भी हम देखते हैं कि थोड़ा सा अगर ये दान पुण्य आज या इस महीने में करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, और आज का दिन भी अगर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इनके लिए बेहतर रहने वाला है। और बेस्ट दान पुण्य जो इनको करना है वो ये है कि हमेशा अगर ये बाजरा और चीनी का दान पक्षियों को करना शुरू कर देंगे तो इनका माइंड में जो कभी कभी कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इन कन्फ्यूजन से ही ये बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इनको बहुत सीवियर माइग्रेन्स के अटैक या हेडेक्स भी होने लग जाते हैं। छोटा सा उपाय है, आप रोज कीजिए तो डेफिनेटली आपके आने वाले दिन बहुत ही खुशमय होने वाले हैं। आपका रंग जो है वो है पर्पल कलर और आपका जो अंक है वो है नंबर 8। चलिए बिल्कुल, अब आगे बात 6 नंबर की करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी लोगों के जो आम जनजीवन में समस्याएं होती हैं उससे संबंधित बात कर लेते हैं रंजना जी। कई ऐसे युवा हैं जो कई बार उनका सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी, नौकरी अच्छी है और सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ग्रह ऐसे होते हैं कि कुंडली मिलान नहीं हो पाता और शादी नहीं हो पाती है, तो ऐसे में आप क्या समाधान सजेस्ट करेंगे उन तमाम युवाओं को जिनकी सब चीजें अच्छा होने के बावजूद भी शादी नहीं हो पा रही है? देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर कुंडली मिलान नहीं हो रहा तो उसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो देखना चाहिए कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल रहा। मगर ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ठीक करने के लिए जितने भी जो यंग बॉयज होते हैं उनको हर शुक्रवार वाले दिन खीर या कोई भी खोए की वस्तु जरूर मंदिर में देनी चाहिए, और छोटी कन्याएं हैं जो 11 साल से नीचे होती हैं उनको बांटनी चाहिए, और जो लड़कियां हैं जो कन्याएं हैं उनको हर बृहस्पतिवार वाले दिन 2 बेसन के लड्डू मंदिर में अवश्य चढ़ाने चाहिए। इससे वो देखेंगे कि उनके जितने भी शादी के योग हैं वो धीरे धीरे खुलने लग जाएंगे,
और आजकल जैसे पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जितना भी ये तुलसी जी की सेवा करेंगे, उनको जल चढ़ाएंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, रोज एक दिया जलाएंगे, तो बहुत ज्यादा इनको लाभ मिलने वाला है। चाहे कन्याएं हैं, चाहे यंग बॉयज हैं, उनको भी ध्यान करना चाहिए, और जितना भी वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे उससे भी इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, मगर इससे करने से बहुत ज्यादा इनके लिए बेहतर रहेगा और इनकी शादी भी बहुत जल्द होगी और अच्छे घर में होगी और आने वाली जो इनकी जिंदगी है वो भी बहुत ज्यादा खुशमय रहेगी। चलिए बिल्कुल रंजना जी, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। किस्मत कनेक्शन में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार हमारे साथ टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा जी बनी हुई हैं। रंजना जी, ब्रेक से पहले 5 नंबर तक बात हो गई थी, अब आगे बढ़ते हैं, बात 6 नंबर वालों की करते हैं। डेफिनेटली नंदिनी जी, मैं दो मंत्र बताना चाहूंगी। जैसे कि आपने प्रश्न पूछा था कि जी शादी नहीं हो रही, तो जो लड़कियां हैं अगर ये मंत्र रोज करना शुरू करेंगी, वो लिख सकती हैं पेपर पेंसिल लेके, हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी, कांता कांताम सदुर लभाम। ये दुर्गा जी के चित्र के सामने जोत जलाके अगर ये रोज करना शुरू कर देंगी तो 3 महीने के अंदर अंदर इनका विवाह काफी हद तक हम देखते हैं कि संपन्न हो सकता है। और जो पुरुष हैं उनके लिए, यंग बॉयज हैं उनके लिए हम बताना चाहते हैं, वो भी दुर्गा जी के चित्र के सामने जोत जला के ये मंत्र अगर करेंगे तो इनको बहुत ही अच्छी पत्नी भी मिलेगी और आने वाले समय भी इनका बहुत अच्छा रहेगा। वो मंत्र है, ओम पत्नि मनोरमा मनोवर्तानु सारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवाम। एक बार रिपीट कर देती हूँ, ओम पत्नी मनोरमा मनोवर्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवाम। ये डेफिनेटली इनका हो जाएगा तो इससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये अगर ये करना शुरू करेंगे तो इनके लिए हम देखते हैं बहुत जल्दी और बहुत अच्छी इनको वर प्राप्त हो जाएंगे और वधु प्राप्त हो सकती है। जी, अब नंबर 6 के लिए हम बताते हैं जी, नंबर 6 वालों के लिए हम देखते हैं काफी मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत बहुत जल्दी रंग लाने वाली है। बहुत ही अच्छा समय इनका रहा है, दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर इनका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है तो डेफिनेटली हम देखते हैं इनके काम जरूर बनने लग जाएंगे। जिसका भी कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी है वो भी इनका बहुत जल्द ठीक होने वाला है। कोर्ट कचहरी का मामला इनके फेवर में जाए उसके लिए बहुत जरूरी है कि 2 रोटी गुड़ जिससे गेहूं लगाएं और काला तिल लगाएं, रोज अगर आप 45 डेज के लिए गाय को खिलाएंगे इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। तो 6 नंबर वालों के लिए रंग भी बहुत सुंदर है, वो है हरा रंग, और इनका जो अंक है वो है नंबर 5। चलिए बिल्कुल, 6 नंबर वालों की बात हो गई है, अब 7 नंबर वालों पे आते हैं। 7 नंबर वालों की बात करते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स? 7 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है, पूरा दिन इनके फेवर में ही जाने वाला है। घर में पूरा सपोर्ट है, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, सब तरफ से इनको पूरा हेल्प एंड सपोर्ट मिलने वाली है। और इनके जो भी आज ये प्लानिंग करना चाहते हैं एंड स्पेशली जो इनके कठिन काम है जो नहीं हो पा रहे हैं बहुत दिनों से, इनको आज जरूर उसको करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो आज इनके जरूर पूरे हो जाएंगे। तो रुके हुए काम भी आज इनके बनने वाले हैं। तो नंबर 7 वालों के लिए हम देखते हैं दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है और इनका रंग जो है वो है ब्राउन एंड ब्लैक और इनका जो अंक है वो है नंबर 7। आज अगर ये सब तनाजा पक्षियों को डालेंगे तो उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए बिल्कुल, अब बात 8 नंबर वालों की, 8 नंबर वालों के लिए क्या बताएंगे आप? 8 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जो घर में इनके बड़े बुजुर्ग हैं वो उनसे इनके थोड़े से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि अपने मन को थोड़ा शांत रखिए, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। जो भी बड़े बुजुर्ग आपको कह रहे हैं या आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉसेस जो भी आपको कह रहे हैं वो ठंडे दिमाग से आप जरूर सोचिए और देखिए कि ये जितनी भी बातें कह रहे हैं आपके फेवर की ही कह रहे हैं। तो अपने मन में नेगेटिविटी बिल्कुल भी मत लाइए, जो भी बड़े कह रहे हैं उनको सुनने की कोशिश कीजिए। और साथ साथ एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि अपने मन को शांत रखिए,
जरूर मेडिटेशन थोड़ा सा कीजिए, उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। सिंपल हम आपको बताना चाहते हैं कि 21 दफा ओम का उच्चारण कीजिए, बहुत जल्दी आपका मन भी शांत हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिल जाएगी। घर से निकलने से पहले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके ही घर से निकलिए, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपका रंग है गुलाबी और आपका जो अंक है वो है नंबर 6। जी रंजना जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ी है किरण, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी, क्या सवाल करना चाहेंगी आप? हाँ जी, हाँ जी, वो बेटे के बारे में पूछना था जी। अपनी बेटी का नाम बताएं। हाँ, बेटे का नाम है आदित्य। अच्छा, बेटे का नाम है आदित्य, उनके बारे में पूछना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई जी 1983। ओके ओके। हाँ जी, तो उसकी हाँ जॉब के बारे में और शादी के बारे में जी। हाँ, अच्छी जॉब, बढ़िया जॉब कब होगी और शादी कब तक हो जाएगी? ठीक है किरण जी, हम देख रहे हैं आपके बेटे के लिए, हम देखते हैं आपके बेटे की पढ़ाई लिखाई, इसकी प्लानिंग लाइफ में बहुत अच्छी है और इसके लिए हम देखते हैं इसको जॉब बहुत अच्छी मिलने वाली है, बहुत जल्द मिलने वाली है। मगर इसको एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे भी इंटरव्यूज में जा रहे हैं थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है। हर शनिवार वाले दिन आप जरूर थोड़ा सी उड़द की दाल और तेल का दान करना शुरू कर दीजिए और ऐसे आप 5 शनिवार जरूर कीजिए और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके बेटे को जॉब भी मिल जाएगी और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी अगर ये शुरू कर देंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। उसके अलावा हम ये बताना चाहते हैं कि इनकी शादी के लिए हम देखते हैं कि इनकी शादी भी अगले साल डेफिनेटली हो जाएगी, घबराने की कोई भी बात नहीं है और इनकी जो पत्नी होगी बहुत ही ज्यादा सुंदर और अच्छे घर की होगी, उसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने मंत्र बताया है इस प्रोग्राम में अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए, आप अवश्य उनके कहिएगा वो उपाय करें। आप मदर हैं, आप कर सकती हैं, मंत्र उनको खुद जाप करना पड़ेगा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। आपका बेटा बहुत ही अच्छा है, बहुत मेहनती है और जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की करेगा जी। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, बात करेंगे 9 नंबर वालों की। रंजना जी, 9 नंबर वालों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? 9 नंबर वालों के लिए देखते हैं, भगवान का इनके पर पूरा पूरा आशीर्वाद है, इनके काम जो इतने दिन से रुके हुए हैं वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे और इनको अपने जो बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद भी मिल रहा है, भगवान से भी मिल रहा है, तो जो भी ये काम करना चाहते हैं उसमें इनको तरक्की अवश्य मिलने लग जाएगी। थोड़ा सा चिंतित थे, अपने मदर की हेल्थ को लेकर काफी चिंतित थे, उसके लिए हम आपको एक उपाय बताना चाहते हैं कि आप रोज थोड़ा सा दूध या खीर बनाकर अगर सोमवार वाले दिन किसी भी मंदिर में देना शुरू करेंगे, उससे उनकी हेल्थ भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और इसके साथ साथ अपनी माता जी को कहिए कि ओम नमः शिवाय का जाप भी अवश्य करें, क्योंकि वो चिंता बहुत ज्यादा करती हैं, ताकि उनको हेल्थ ठीक रहे और वो ज्यादा चिंता ना करें। नंबर 9 वालों के लिए दिन बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होने वाला है, पूरे खुले मन से जाइए और घर से एक इलायची खाकर घर से निकलेंगे तो और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका रंग है पीला और आपका जो अंक है वो है नंबर 3। और बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी आपका जुड़ने के लिए, उम्मीद करेंगे जो भी नुस्खे आपने बताए जरूर दर्शक वो करेंगे और उनकी समस्या का समाधान होगा। इसी के साथ आज के लिए किस्मत कनेक्शन में इतना ही।